नमस्कार, मैं संगीता तवर और आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब चैनल। भारत और पाकिस्तान के बीच 15 जनवरी को प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की वार्ता टल गई है। दिल्ली में बुधवार को दिन भर चली गहमागहमी के बीच ये फैसला लिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्रालय की ओर से गुरुवार शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका औपचारिक ऐलान किया जा सकता है। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर को पाकिस्तान में हिरासत में लिए जाने की सूचना के बाद से ही दिल्ली में शीर्ष स्तर पर लगातार बैठकें जारी हैं। हालांकि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि भारत को अभी पाकिस्तान की ओर से मसूद अजहर की गिरफ्तारी को लेकर कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। सूत्रों के मुताबिक 15 जनवरी को प्रस्तावित विदेश सचिव स्तर की बातचीत के लिए भारत राजी नहीं है। भारत पहले पठानकोट हमले के आरोपियों पर पाकिस्तान की ओर से कड़ी कार्रवाई चाहता है। भारत ने इस संबंध में अपना रुख साफ करते हुए कहा है कि जब तक कार्रवाई नहीं होगी पाकिस्तान से बातचीत भी नहीं होगी। मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने के बावजूद पाकिस्तान की ओर से ठोस कार्रवाई का अभी भारत इंतजार करेगा। पाकिस्तान में मसूद अजहर और उसके भाई को हिरासत में लिए जाने के और करीब 12 लोगों को गिरफ्तार किए जाने की सूचना पाकिस्तानी मीडिया ने दी है। इस कार्रवाई को पठानकोट हमले में पाकिस्तान की सरकार की ओर से बड़ा कदम माना जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने भारत को इसकी आधिकारिक सूचना नहीं दी है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पठानकोट में हुए आतंकी हमले के लिए एडिशनल आईजी राय ताहिर की अगुवाई में 6 सदस्य जांच दल का गठन भी किया है। इसमें पुलिस, आईएसआई, आईबी और एमआई के अधिकारियों को शामिल किया गया है। इससे पहले भारत की ओर से बढ़ रहे कार्रवाई के दबाव और विदेश सचिव स्तर की वार्ता रद्द होने की स्थिति को देखते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने बुधवार को एक बार फिर से उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। बैठक में देश के अंदर आतंकवादी गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने पर चर्चा हुई। वन इंडिया पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। अधिक खबरों के लिए लॉग इन कीजिए वन इंडिया .com।